अमनौर में नामांकन के दूसरे दिन एमबीए छात्र पंकज कुमार तो वहीं पूर्व प्रोफेसर देवेंद्र सिंह की पत्नी ने किया नामांकन। जी हां, आज अमनौर में दूसरे दिन का नामांकन में तारकेश्वरी कुमारी पति प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद सिंह ग्राम पंचायत कल्याण से मुखिया पद के लिए नामांकन की, वहीं दूसरी ओर पंकज कुमार जो कि एमबीए कर चुके हैं और तरवार पंचायत से मुखिया पद से नामांकन किए, जबकि पुष्पा देवी पति मुकेश कुमार राय अपर पंचायत से वार्ड नंबर 3 से वार्ड सदस्य के लिए नामांकन किया। माधुरी देवी पति भगवान माझी अपहर पंचायत से मुखिया पद के लिए नामांकन की हैं। निर्मला देवी पति चंदेश्वर सिंह सरपंच पद से अमनौर हर नारायण पंचायत से नामांकन की गई। आज हालांकि प्रतिनिधियों की भीड़ काफी देखी गई, लेकिन नए चेहरे ज्यादा नजर आए। वहीं प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी चौकन्ना नजर आई, जबकि सबसे रोचक आज का नामांकन तरवार पंचायत से पंकज कुमार का रहा। बताते चले कि पंकज कुमार एमबीए की पढ़ाई कर मुखिया में इस बार अपना भाग्य तरवार पंचायत से आजमा रहे हैं। जिस तरह से युवाओं का भागीदारी इस बार पंचायत में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमनौर एचआर कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह की पत्नी तारकेश्वरी कुमारी इस बार जनता के आग्रह पर अमनौर कल्याण पंचायत से मुखिया पद के लिए अपने भाग आजमा रही हैं। वहीं अमनौर हर नारायण पंचायत के वार्ड नंबर 11 से सुरेंद्र राम ने अपना नामांकन दाखिल किया। इन सभी प्रत्याशियों से नामांकन के बाद चुनाव लड़ने को लेकर जब मीडिया ने सवाल किया तो प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता आनंद कुमार राय के साथ। अमनौर जिला परिषद भाग 1 से आज आपने नामांकन कराया है, अपने क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकता आपने तय करके रखा है? सबसे पहले शिक्षा के लिए और फिर महिला विकास के लिए। क्या परिवर्तन आएगा अगर आप पद पे आती हैं? परिवर्तन सबसे पहले शिक्षा बच्चों के लिए करेंगे और महिला के लिए करेंगे और रोड विकास के लिए सबसे ज़्यादा करेंगे। क्या नाम है आपका? जितमुना महाराज। न्यायपालिका की जिस तरह से स्थिति है, क्या उसको पूर्ण रूप से सही बनाने में आप सक्षम रहेंगे? एकदम सक्षम रहेंगे। क्या रहेगा आपका चुनावी एजेंडा? क्या रहेगा चुनावी एजेंडा? की सच्चा न्याय मिले आम पब्लिक को, हमारे क्षेत्र के जनता को, यही हमारा। जो भी क्षेत्र का विवाद जो थाना में जाता है उसको अपने स्तर तक अपने पंचायत में आप सॉल्व कर सकते हैं? हम करेंगे कि जो थाना तक नहीं जाए और हम अपने स्तर से ही उसको सॉल्व करता दें। क्या नाम पड़ेगा? चंदेश्वर सिंह। कौन पंचायत है? अमनौर हर नारायण पंचायत। सारे। किस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और किस पद से सर? अमनौर कल्याण से चुनाव लड़ रहे हैं और मुखिया पद। क्या लगता है कि 10 वर्ष का समीकरण बदलेगा इस बार? निश्चित बदलना चाहिए। क्या रहेगा आपका? चाहती है जनता। क्या रहेगा इस बार का आपका चुनावी मुद्दा? मेरा चुनावी मुद्दा चोरी रोकना। जो चोरी करते हैं लोग, ये सुना है 1.25 लाख में 25,000 हिस्सा होता है, 13,000 में 4,000 लेते हैं लोग, जो पेंशन कराने में भी पैसा मांगते हैं लोग, वो दह गया अनाज उसमें मांगे लोग अपने पुत्र पुत्रों से ठेका ठेकी कराते हैं। मैं सारे चीज़ों को मेरे पत्नी रोक देंगे और पूरी क्रांति पूरे पंचायत में एक ऐसी हवा बहाऊंगा जो विकास के ऊपरी सीमा तक जाएगी। क्या 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 लगता है भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएंगे? भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाएंगे? कोशिश करूंगा। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरी पत्नी है कहीं, मैं तो प्रोफेसर था एचआर कॉलेज अमनौर में। इस बार हमारी इच्छा हुई कि हमारे यहाँ ज्यादा भ्रष्टाचार ज्यादा हो, उसको साफ करने का पूरा प्रयास करूंगा। नौजवानों को भी कहता हूँ, गरीब लोगों को भी, एक बार लाओ फिर देखो। मेरा भी, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, पूरे हिसाब किताब ईमानदारी की रखी है, आज तक इसको आगे भी कंटिन्यू करूंगा। नाम पड़ेगा और किस पंचायत से वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं? मैं विनोद कुमार, वार्ड प्रत्याशी और पंचायत वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहा हूँ।
आज आपने नामांकन किया है जी, क्या रहेगा आपका चुनावी मुद्दा वार्ड से संबंधित? हमारा मुद्दा रहेगा कि जितने भी हमारे गांव के मतलब बड़े बुजुर्ग हैं उनका पहले तो वृद्धा पेंशन करवाएं, दूसरी है कि इंदिरा आवास और अपने पंचायत का वार्ड का विकास करें, हम पूर्व से ज्यादा विकास किया जाए जी जी। अगर सही रूप में काम करेंगे तो हो सकता है कि उप मुखिया का भी उससे हम लोग बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे। जनता का हमारा साथ सहयोग है, उन लोग का आशीर्वाद है, उन लोग बहुत अच्छे से अच्छे मतलब अपने पंचायत का काम करेंगे और जनता का सभी का नाम ऊंचा करेंगे, अपने पंचायत का ऊंचा नाम करेंगे। किस पंचायत से चुनाव लड़ रही है और किस पद से? पंचायत से मुखिया पद से। क्या रहेगा आपका चुनावी मुद्दा? मेरा चुनावी मुद्दा है जिन महिलाओं को कार्य नहीं उसको पूरा कर दो। आपको आगे बढ़िए, कृपया वोट न जाम होना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़िए। महिलाओं के लिए क्या करिएगा अगर आप जीतती हैं तो? महिलाओं के लिए खास करके मेरा ध्यान ये है कि जैसे दादी माँ है उन लोग का बूढ़ा पेंशन या वृद्धा पेंशन नहीं बना है उसको बनाना है, और इंदिरा निवास है जो कि नहीं बना है मेरे गाँव में बहुत सारा, उसको भी। क्या लगता है 5 साल में विकास हुआ है अपर पंचायत का? हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अपर पंचायत की महिला कहेगी, मेरा एक घर नहीं है कि मैं बोल दूंगी जो पूरा होगा, क्योंकि ये तो महिला लोग कह सकती है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम माधुरी देवी। किस पंचायत से? अपर पंचायत से।